हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 जिसका नाम है गति, या इंग्लिश में हम इसको मोशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, गति, गति क्या होती है, किस चीज़ को हम गति कहते हैं। देखिए, गति का मतलब होता है कोई वस्तु जब एक निश्चित समय में, या कहा जाए कि समय के सापेक्ष वो अपनी स्थिति को बदलती रहे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे है, एक सेकंड बाद ये वस्तु इस जगह से इस जगह पे पहुँच गई, ठीक। फिर मानते हैं कि अगले एक सेकंड बाद ये वस्तु यहाँ से इस जगह पे पहुँच गई, यहाँ पे, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि जो वस्तु है वो 2 सेकंड में कितनी दूरी चली, तो कहा जाएगा कि 2 सेकंड में वो इस जगह से, या ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंची। तो ये कहा जाएगा इस वस्तु के लिए, ये कहा जाएगा कि 2 सेकंड तक वस्तु गति में रही। मान लेते हैं कि अभी बी ए से चली और बी पे पहुंच के रुक गई, तो ए से चली और बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगाया, तो ये 2 सेकंड जो हैं, इन 2 सेकंडों में वस्तु गतिमान अवस्था में थी, यानी गति कर रही थी, इसीलिए वो गतिमान अवस्था में थी। तो कोई वस्तु तभी गतिमान मानी जाएगी जब वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदले, यानी अपनी जो पोजीशन है उसको समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, ठीक। डजंट मैटर कि कैसे चेंज कर रही है, किस दिशा में चेंज कर रही है, अभी इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। सिर्फ वो अपनी जो जगह है वो चेंज कर रही हो, उसको हम कहेंगे कि वो गतिमान अवस्था में है। उदाहरण के लिए, तैरती हुई मछली, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब क्या है, ये गति करने के जो उदाहरण है वो है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, मान क्या लीजिए, गति ही है रक्त में जो प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह होता है हमारे शरीर में, उस रक्त में जो कणिकाएं होती हैं वो क्या है, वो गति कर रहा है ना, जो ब्लड है, ब्लड हमारे शरीर में फ्लो तो कर रहा है, तो वो एक तरह की गति है। मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी क्या है, एक गति है। ये हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगा में इतने सारे ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी को ही ले लीजिए, ये घूर्णन गति और वृत्तीय गति दोनों तरह की गति करती है, अपने अक्ष पे घूमती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो पृथ्वी हमारी दोनों तरह की गति करती है, तो ये सब क्या है, ये गति के उदाहरण हैं, और इसी को कहते हैं किसी वस्तु की, वस्तु का गतिमान होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अगर कोई कहता है कि हवा चल रही है, कहते हैं ना लोग कि हवा चल रही है, तो हम कैसे समझते हैं, कैसे मानते हैं कि हवा चल रही है। देखिए, हमें महसूस होता है, एक तो हमारी त्वचा जो है सेंसिटिव है, वो जैसे हवा हमारे शरीर में टकराती है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। पेड़ पौधे हिलते हैं, पत्तियाँ हिलती हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। धूल के कण उड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। तो इस तरह से हम जानते हैं, समझते हैं कि हवा चलती है, ठीक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो सकती है, और हो सकता है कि वही वस्तु दूसरे के लिए स्थिर हो, गतिशील ना हो। जैसे कोई, मान लीजिए कि कोई यात्री बस है, ठीक, और वो बस चल रही है, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो अगर बस चल रही है, आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, आप बस में बैठे हैं और आप, बस चल रही है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ चल रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ चल रहा है और आप एक जगह स्थिर हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन वहीं अगर पेड़ की तरफ से सोचें, कोई मान लीजिए कि पेड़ की जगह कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसको लगेगा कि बस चल रही है और मैं स्थिर हूँ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक समय हो सकता है कि कोई वस्तु आपके लिए गतिशील हो और दूसरे के लिए स्थिर हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, बहुत सी, यहाँ पे देखते हैं, चलिए, बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वृत्तीय पथ पे गतिमान होती हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो क्या है, क्या है, एक वृत्तीय गति है, ठीक, और वहीं एक गाड़ी अगर सड़क पे चलती है तो वो क्या है, वो सीधी रेखा में गतिमान होती है।
पृथ्वी हमारी या लट्टू जो नाचता है वो क्या है, घूर्णन गति भी करते हैं, होता है ना, कुछ घूर्णन कर गति करते हैं, तो वो कैसे उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, लट्टू का घूमना या हमारी पृथ्वी का अपनी अक्ष पे घूमना, ये घूर्णन गति के उदाहरण हो गए। कुछ कंपन कर सकती हैं, कुछ ऐसी गतियां होती हैं जो कंपन होती है, जैसे एक धागा हम बांध लेते हैं, दो धागे को इस छोर से लेके इस छोर तक बांध देते हैं और इसको बीच से पकड़ के हिलाएंगे तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कंपन गति, ठीक है। तो ये भी गति में ही आता है। हम जो आवाज़ें सुनते हैं, जो बोलते हैं, ये क्या है, ये कंपन गति के कारण ही हम सुन पाते हैं, या हमारी आवाज़ जो निकलती है कंपन के कारण ही निकलती है, ठीक है। तो ये जो है कंपन गति कहलाते हैं। तो ये कुछ प्रकार की गतियाँ होती हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसमें गति का वर्णन। देखिए गति तो आप समझ गए कि समय के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, गति। तो अब हम आते हैं सीधा सरल रेखीय गति पे, ठीक। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देशित बिंदु निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ पे है, अब वस्तु ने अपनी जगह बदल के दूसरी जगह पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो क्या हुआ, हमने पहले एक फिक्स पॉइंट किया था ना, एक बिंदु निर्धारित किया था वस्तु के लिए, लेकिन वो वस्तु जब अपनी निर्धारित पॉइंट को छोड़ देती है, दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु गति कर रही है, ठीक। यानी समय के सापेक्ष उसने अपनी जगह में परिवर्तन किया, इसलिए वो वस्तु गति में थी या गतिमान अवस्था में है या गतिमान अवस्था में थी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं अब सरल रेखीय गति क्या होती है। देखिए सरल रेखीय गति में सिर्फ आप सीधा सा समझिए, यहाँ पे लिखा है रेखीय और उसके आगे लिखा है सरल, तो सरल रेखीय मतलब सरल रेखा, तो सरल रेखा ऐसे खींच दीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए इसको, ठीक, ये सरल रेखा हो गई। अब इस पथ पे कोई वस्तु जो गति करेगी उसी को हम कहेंगे सरल रेखीय गति। चलिए इसमें थोड़ा सा ये जो उदाहरण दिया है यहाँ पे, ये जो चार्ट बना है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है और 60 तक का एक मापांक का एक रेखा बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं ओ से चलता है, सी तक पहुँचता है, फिर सी से चलता है बी तक पहुँचता है और ए तक पहुँचता है। इस तरह से कोई वस्तु जो सॉरी जो वस्तु है, कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है। अब मानते हैं कि कोई वस्तु अपनी जगह को तो बदल रही है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए आपको और समझ में आएगा। देखिए मानते हैं कि ए बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ए है, बी है और सी, ये वस्तु की स्थिति को बताते हैं, यानी पोजीशन ऑफ जो हमारा वस्तु है उसको बताते हैं। पहले या सी और बी से गुजरती है, जो वस्तु है पहले सी से जाती है फिर बी से जाती है तथा ए पर पहुंच जाती है, यानी वस्तु इधर से चल रही है, सी पे पहुंची, उसके बाद बी पे पहुंची और लास्ट पॉइंट इसका ए है, ठीक, ए पे पहुंच गई। इसके पश्चात या उसी पथ पर लौटती है। अभी यहाँ पे पहुंची है, अब क्या हो रहा है, ये इधर से वापस भी आ रही है, ठीक। अब वापस लौटती है तो पहले बी पे पहुंचती है फिर सी पे पहुंचती है, तो वापस लौटते वक्त बी पे पहुंची और उसके बाद सी पे पहुंच गई, ठीक। अब देखिए वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, तो पहले तो वस्तु यहां से यहां पहुंची, सी तक पहुंची ना, तो ओए ये ओ हो गया और ए हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 60। भाई यहां से टोटल दूरी तो यही हुई ना, यहां से चल के ए तक पहुंचा, तो टोटल दूरी हमारी ओ ए हो गई। फिर उसके बाद वापस आया, तो वापस कहाँ, ए से चल के सी तक आया, ठीक है ना, ए से चल के सी तक आया, तो प्लस ए सी, तो ओ ए प्लस ए सी कर देंगे, तो ओ ए का डिस्टेंस यानी ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, 60, ठीक, तो 60 किलोमीटर लिख दिया हमने। और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, यानी
ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये हम 60 में से 25 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 95 किलोमीटर आएगा। यानी जो वस्तु है वो ओ से चलने के बाद ए तक गई और ए से सी तक आई, तो टोटल दूरी उसने तय की 95 किलोमीटर। ठीक, 95 किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय की। अब ये जो 95 है ये क्या है, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान चाहिए। तो ये दूरी जो 95 है ये अंकीय मान ही तो है। दूरी क्या, अंकीय मान ही बताती है कि कोई वस्तु कितनी दूर है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में कहा जाता जो वस्तु की दिशा है, दिशा को निर्धारित कर दिया जाता, ठीक, और पूछा जाता वस्तु का विस्थापन कितना है। ठीक, देखिए वस्तु का विस्थापन होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। विस्थापन कहते हैं, दूरी आपने देख ली जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमने अभी देखा जो वहाँ पे कोई दिशा निर्धारित नहीं थी, ठीक, गति की कोई दिशा नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण, जो अंकीय मान होता है उसी को परिमाण कहते हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए कोई वस्तु है वो यहाँ से चली और ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके गई, ठीक, वो यहाँ तक पहुँची, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है और वस्तु की अंतिम स्थिति ये है। ठीक, इसके बीच में जो सीधी रेखा होगी वही विस्थापन कहलाएगी, सीधी रेखा। अभी हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं सरल रेखीय गति, अभी तो हमने यहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देखा। ये मान लीजिए कि वो सरल रेखीय गति में है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं यहीं पे वस्तु जो है सरल रेखीय गति कर रही है, पहले ओ से ए तक गई, ठीक, और उसके बाद ए से सी तक आई। तो सबसे पहली पोजीशन ये थी हमारी ओ वाली और सबसे आखिरी पोजीशन हमारी है सी वाली। तो यहाँ पे जो प्रथम पोजीशन या जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक पोजीशन, ठीक, प्रारंभिक जो मान है और जो उसका आखिरी पोजीशन है, आखिरी पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन कर देंगे वही हमारा विस्थापन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है वो आप देख लीजिए, प्रारंभिक माइनस आखिरी करेंगे तो हमारा उदाहरण में क्या आता है, देखिए ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। यहाँ ओ से और ए तक जाती है वस्तु तो 60 किलोमीटर तय करती है, तथा विस्थापन का जो परिमाण है वो भी 60 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है पहली स्थिति ओ थी, आखिरी स्थिति ए है, और टोटल दूरी दोनों के बीच में 60 km है, किलोमीटर, तो परिमाण कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि जो 60 है वही उसी को हम परिमाण कहते हैं। अब ओ से ए तक या ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी, तो ओ से ए गया 60 किलोमीटर गया, अब पुनः बी तक आएगा यानी ए से बी तक आएगा तो कितना होगा, 25 किलोमीटर चलेगा। चार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ दिखाई आपको मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 85 किलोमीटर आया, यानी यहाँ पे परिमाण 85 हो गया, जबकि जो विस्थापन का परिमाण है वो 35 किलोमीटर है। ठीक, टोटल दूरी कितनी चली, टोटल दूरी चली हमने 85 किलोमीटर, लेकिन जो विस्थापन होगा वो सिर्फ 35 किलोमीटर का होगा। देखिए कैसे, वस्तु यहाँ से गई ए तक पहुँची, ठीक, लेकिन अब ए के बाद जो वस्तु है वो चली आई कहाँ पे, बी पे, तो आखिरी पोजीशन बी की क्या हो गई, सॉरी वस्तु की हो गई बी। अब पहली पोजीशन ओ थी और आखिरी पोजीशन बी है, तो ओ से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, 35 ही तो है, टोटल ये 35 दिया हुआ है, तो 35 किलोमीटर है, तो जो विस्थापन होगा वो 35 किलोमीटर का होगा। लेकिन अगर दूरी पूछी जाए, डिस्टेंस पूछा जाए कि वस्तु ने कितना डिस्टेंस चला, तो ओ से ए गया पहले तो ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर, ठीक, फिर ए से बी तक आया, तो ए से बी तक हमारा 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25, ठीक, तो प्लस हमारा 25 किलोमीटर,
इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 85 किलोमीटर। तो ये हमारा आएगा डिस्टेंस, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा सिर्फ 35 किलोमीटर। यही डिफरेंस होता है हमारे दूरी और विस्थापन में, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है, यही चीज़ समझनी होती है, ठीक। उम्मीद है आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं, बहुत अक्सर इसे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, 1-8 नंबर में। आपने अक्सर कहीं ना कहीं सुना होगा कि लोग कहते हैं, या साइंस में, विज्ञान में खास तौर से, कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चली ए तक गई, ठीक, यहाँ पे पहुँची और फिर यहाँ से रिटर्न होके ओ तक चली आई। अब पूछा जाए कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की और वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना है। तो देखिए, कोई वस्तु अगर अपनी जगह पे वापस पहुंच जाती है, जहां से वो चली है उसी जगह पे वापस पहुंच जाती है, तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ पे पूछा जाए दूरी कितनी चली वस्तु ने, तो कितनी चली, पहले तो 60 किलोमीटर गया और फिर वापस 60 किलोमीटर आया, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है सिर्फ इस बात का कि अगर दूरी जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, तो विस्थापन जीरो हो सकता है, सॉरी विस्थापन जीरो होगा। अगर डिस्टेंस जो दूरी है वो जीरो है, वो शून्य है, तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य होगी, ठीक है, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वस्तु की दूरी शून्य है तो निश्चित तौर पे विस्थापन शून्य होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूरी और विस्थापन दो चीजें आपने समझी, अब इसी से संबंधित चीजें हम आगे देखते हैं। यहां पे आता है हमारा थोड़ा सा एक समान गति और असमान गति। देखिए एक समान गति हम किसको कहते हैं, कोई वस्तु जब समय के साथ, मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है, तो इसको कहेंगे एक समान गति, ठीक। लेकिन अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है लेकिन अगले 1 सेकंड में 2 मीटर जाती है और फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या, असमान गति, ठीक। इसी चीज को हम असमान गति और एक समान गति कहते हैं। चलिए, यानी जो समय अंतराल है, समय समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती है कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो उस गति को एक समान गति कहेंगे। वहीं अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो वो असमान गति कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गति की दर का मापन, आते हैं गति की दर का मापन। गति की दर का मापन बस इतने से आप समझिए, क्रिकेट मैच आप देखते हैं, जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो अक्सर आप कमेंट्री में सुनते होंगे कि उसने 140 या 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल को फेंका, यानी बॉलिंग स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फेंका बॉलर ने। तो ये क्या है, ये है किसी वस्तु की या बॉल की, जो बॉल है उसकी स्पीड बता रही है, ठीक, उसकी गति बता रहे हैं। कहीं कहीं आपने ऐसे भी दिखा बोर्ड देखा होगा, ऐसे बोर्ड आप अक्सर रोड पर देखे होंगे, ये लगा होता है कि निर्धारित चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी ये एक निर्धारित चाल बता देते हैं। अब ये चाल हम मापते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये चाल आखिर मापते कैसे हैं। ठीक, देखिए चाल मापने का सबसे जो फॉर्मूला है, अभी तक हम जो फार्मूला पढ़ते आए हैं वही फार्मूला है चाल मापने का। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं औसत चाल। देखिए कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा होगा साइकिल लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कारें चलाते हैं, तो वो हमेशा एक ही स्पीड में नहीं चलते, कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है, किसी न किसी रीज़न की वजह से। मान लेते हैं कि ट्रैफिक था, कहीं ट्रैफिक आ जाता है तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कहीं खाली रोड रहती है तो वहाँ पे लोग तेज चलते हैं, तो क्या है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच दूसरे बिंदु तक पहुँचने में होता क्या है कि कई बार स्पीड जो है वो कहीं तेज होती है, कहीं धीमी होती है, तो उस रास्ते में हर जगह का हम अलग अलग स्पीड नहीं बताएंगे। हम क्या कहते हैं, यहाँ से बिंदु ए से बी तक पहुँचने में या हमें अपने घर से स्कूल तक पहुँचने में जो स्पीड हमारी थी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ठीक, ऐसा तो हम बताते नहीं कि हम अपने घर से निकले और चाय वाली दुकान तक हम 10 किलोमीटर की रफ्तार से चले और चाय वाली दुकान से जब आगे हम बढ़े तो वहाँ पर हम 20 किलोमीटर की रफ्तार से चले, ऐसा हम नहीं बताते ना। हम क्या बताते हैं कि हम अपने घर से निकले और स्कूल तक जब पहुँचे तो हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे। तो ये जो हमने बताया इसी को हम कहते हैं औसत चाल। ठीक, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होती है, यहाँ पे लिखा है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि यानी कुल समय। तो जितनी दूरी तय करते हैं बटे जितना समय लगा उसी को हम कहते हैं औसत चाल। ठीक, एवरेज स्पीड जिसको हम कहते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, समय को हम टी से डिनोट करते हैं, दूरी को हम एस से दर्शित करते हैं। ठीक है, तो दूरी हमारा हो गया एस से दर्शित होता है और समय हमारा टी से दर्शित होता है और जो हमारा चाल है उसको हम वी से दर्शित करते हैं। चलिए यहाँ पे जो उदाहरण है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, एक अलग सी वीडियो मैं बना दूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं। चलिए अब आते हैं दिशा के साथ चाल। अभी हमने क्या देखा कि चाल कैसी भी हो, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी सर्कुलर या सर्कुलर नहीं, ऐसे कर्व में ऊपर नीचे कैसी भी चाल हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी चले चाल चले, लेकिन अगर चाल में दिशा निर्धारित हो, ठीक, दिशा निर्धारित हो तो चाल कैसी होगी या उसे हम कैसे व्यक्त करेंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा एक राशि का नाम जिसको हम विस्थापन कहे हैं, ठीक, विस्थापन के बारे में हमने जाना, जिसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट से। अभी तक हमने चाल का फार्मूला पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगा हमारा विस्थापन बटे समय। इसी चाल को फिर हम क्या कहेंगे, वेग। ठीक, जब चाल बराबर विस्थापन बटे समय होगा तो इसी चाल को हम वेग कहेंगे। चलिए यहाँ पे वेग निकालने के लिए, वेग मतलब वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी, जो वेग हम निकालते हैं वो भी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग, औसत चाल निकालते हैं और औसत वेग निकालते हैं। अंतर क्या है, चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय, ये होता ना दूरी बटा समय, वहीं अगर वेग की बात करें, वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन, विस्थापन बटा समय। यही आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। विस्थापन हम किसको कहते हैं, विस्थापन का मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी दूरी होगी, यानी जो सीधी रेखा होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे।
या कह सकते हैं जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी और जो आखिरी स्थिति है उसके बीच में जो दूरी है, सीधी रेखा वाली दूरी है, उसी को हम विस्थापन कहेंगे। और दूरी क्या कहेंगे? दूरी का मतलब कि कोई वस्तु कितना दूर चली है उसको हम दूरी कहते हैं। तो ये डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में। चलिए, तो प्रारंभिक वेग औसत वेग हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम सबसे पहले प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग बटे दो कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग आ जाएगा। फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो वी ए वी लिखते हैं, जो नीचे स्मॉल में ए वी लिखा है इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, यू को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और वी को हम अंतिम वेग कहते हैं। तो यू प्लस वी बटे दो, ये हो गया हमारा औसत वेग। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि चाल और यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन दोनों की जो इकाइयाँ होती हैं वो सेम होती हैं, यानी जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड, या इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक, सेम होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट इकाई सेम होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा औसत चाल। अब आते हैं आगे, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, क्वेश्चन जितने भी इसमें एग्जांपल और क्वेश्चन होंगे वो मैं अलग से वीडियो बना के आपको सॉल्व करा दूंगा और समझा भी दूंगा। चलिए, अब आते हैं अगले पॉइंट पे या अगले टॉपिक पे, वेग में परिवर्तन की दर, वेग। चलिए, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी, वेग का परिभाषा आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, नई राशि का नाम आने जा रहा है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्वरण। चलिए, अब त्वरण क्या होता है, डेफिनीशन परिभाषा आप पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, कहीं आप एक्सीलरेशन का नाम नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। एक्सीलरेशन को अगर परिभाषित किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण या एक्सीलरेशन कहा जाता है। होता क्या है इसमें, देखिए, एक समान सरल रेखीय गति जब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, वेग नियत रहता है। कोई वस्तु अगर एक ही स्पीड से एक सीधी रेखा में चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जिस वेलोसिटी से यहाँ पे वस्तु थी उसी वेलोसिटी से यहाँ पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा शून्य आएगा। लेकिन अगर वस्तु असमान गति से चल रही है, मतलब यहाँ पे गति जो है वेग अलग अलग है, यहाँ पे तेज चल रही थी मतलब 10 की स्पीड में चल रही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में 20 की स्पीड से चल रही है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 बचेगा। यानी यहाँ पे जो असमान गति या असमान वेग से चलते हैं तो वहाँ पे वस्तु में जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, वेग में जो परिवर्तन होता है वो शून्य नहीं होता, ठीक, समान गति से चलेगा, समान वेग से चलेगा तो परिवर्तन शून्य हो, वेग में परिवर्तन शून्य होगा, असमान गति से चलेगा तो वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। तो इसी चीज को व्यक्त करने के लिए हमें एक और राशि को पढ़ना पड़ेगा, वो है त्वरण या एक्सीलरेशन जिसको हम कहते हैं। देखिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए, जिसको हम त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है हमारा वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना भी चेंज हुआ है। अब चेंज जो निकालेंगे कैसे होगा, अंतिम वेलोसिटी यानी वस्तु यहाँ ओरिजिन था, यहाँ से चली थी, यहाँ पे पहुँची, ठीक, तो अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बटे समय, यही होगा हमारा त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अब देखिए, यहाँ पे हम यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट भी जान लीजिए,
वेग में परिवर्तन, तो वेग की इकाई क्या होती है, यानी वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक, बटे बटे लगाएंगे, समय, समय की इकाई होती है सेकेंड, ठीक। अब इसको हल कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये यस इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, त्वरण की इकाई, एक्सीलरेशन की इकाई। चलिए, तो फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पे, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, या लिया गया समय। अब हम जो वेग में परिवर्तन है वो कैसे निकालेंगे, देखिए मानते हैं कि प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग क्या था, u था, और अंतिम वेग जो है वो v है, तो v माइनस u करेंगे और बटे t कर देंगे, यही हमारा हो गया एक्सीलरेशन, त्वरण। अब जो त्वरण है, अगर देखिए वेग है, वेग में दिशा होती है, ठीक, जो हमारी स्पीड होती है, चाल होती है, उसमें दिशा नहीं होती, उसमें जो डायरेक्शन होता है वो नहीं होता, इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन वेग जो है, वेग में दिशा होती है, यानी जो डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेग को, यानी वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब वेग जब वेक्टर है तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाता है, वेक्टर। चलिए, तो ये तो स्केलर वेक्टर कभी कभी पूछे जाते हैं, तो मैंने बता दिया। आते हैं कि जो वेग है, वेग में दिशा है, तो वेग अगर किसी दिशा में है, मान लीजिए इस दिशा में है, और वी, वी मतलब वेग या वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक, इसको कहेंगे धनात्मक त्वरण। लेकिन अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसको कहेंगे ऋणात्मक एक्सीलरेशन, या ऋणात्मक त्वरण, ठीक, इस तरह से भी हम इसको कहते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का उदाहरण क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन या धनात्मक एक्सीलरेशन या धनात्मक त्वरण का जो उदाहरण है वो है, कोई वस्तु अगर आसमान से नीचे गिर रही है, ठीक, गिर रही है, गिर रही का मतलब फ्रीली फॉलन बॉडी है, फ्रीली फॉलन बॉडी, जिसमें कोई पकड़ के नहीं गिरा रहा है, कोई इंसान था, वो हाथ में कोई बॉल लिया था, उसने ऊपर से छोड़ दिया, ठीक, उस तरह से कोई वस्तु अगर गिर रही है तो वो हमारा उदाहरण हो जाता है किसका, फ्रीली फॉलन बॉडी का, और धनात्मक एक्सीलरेशन या धनात्मक त्वरण का, ठीक। चलिए, अब उदाहरण अगर बात करें हम ऋणात्मक त्वरण की, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कि कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर को फेंकी जा रही है, ठीक। देखिए, आप पूछेंगे सर इसमें जो वेग है, या चलिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर से एक बार, कोई वस्तु है, ये वस्तु है ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक, तो वेग नीचे की तरफ है, और जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या लगता है, स्मॉल जी, स्मॉल जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना, तो स्मॉल जी काम करता है, स्मॉल जी एक्सीलरेशन ही है, ये एक्सीलरेशन पृथ्वी हमारी लगाती है, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको हम जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी या त्वरण और वेग सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम दिशा में होते हैं, तो उसको हम धनात्मक एक्सीलरेशन कहते हैं। वहीं अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए, तो वी हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन जो पृथ्वी हमारा एक्सीलरेशन लगा रही है, या जो इसको हम जी कहते हैं, वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना, ये एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ लगेगा, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब असमान और समान त्वरण की बात करें, अगर हम अभी आपने ऋणात्मक और धनात्मक देखा, तो वैसे ही
असमान और समान त्वरण की बात करें तो कोई वस्तु जो ऊपर से नीचे गिर रही है वो क्या है, एक समान त्वरित है, यानी उसमें एक्सीलरेशन जो है वो एक समान रूप से ही लग रहा है, ठीक, क्योंकि उस पर कोई अवरोध तो है नहीं, तो वो समान रूप से एक्सीलरेशन लग रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक समान त्वरण। यानी जो वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है उसमें धनात्मक त्वरण तो होता ही है, साथ साथ उसको हम एक समान त्वरण भी कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। अगर असमान त्वरण की बात करें, असमान त्वरित गति की बात करें, तो कोई जो कार है, ठीक, एक सीधी सड़क पे चल रही है, ठीक, अगर कोई कार एक सीधी सड़क पे चल रही है तो ये हमारा उदाहरण हो जाता है असमान चालकी या असमान त्वरण। ठीक, चलिए अब इसमें ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एक न्यूमेरिकल है इस पर जो कि हम आगे देखेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन, यानी जो हमारी गति होती है, मोशन है, उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अक्सर क्रिकेट मैचों में देखा होगा कि अक्सर आईपीएल मैच हो गया या वनडे हो गए, टेस्ट हो गए, उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का ग्राफ बन के आता है, ऐसे ऐसे इतने विकेट गिरे, इतने ओवर में इतने रन बने, इस बॉलर ने इतने बॉल में इतना रन दिया, ऐसे ग्राफ बन के आते हैं ना। तो ग्राफ किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका माना जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं। तो गति का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले दूरी और समय ग्राफ। देखिए गति की बात है, तो अगर गति की बात है तो वहाँ दूरी, समय, विस्थापन, समय, ये सारी चीज़ें उसमें आनी ही आनी है, ठीक। तो दूरी समय का ग्राफ हम सबसे पहले देखते हैं। एक चीज़ ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा कि ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है, ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है, यानी जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या समय दर्शाते हैं, ठीक, क्या दर्शाते हैं, समय। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने समय दर्शाया है यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे हमने क्या दर्शाया है, दूरी दर्शाई है, डिस्टेंस, ठीक। तो ये दर्शाने का तरीका है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा आपको बीच में दिख रही है, ऐसे सीधी रेखा का मतलब क्या है, सीधी रेखा का मतलब है कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से गति कर रही थी या गति कर रही है। अगर किसी ग्राफ, समय दूरी के ग्राफ में, यानी कोई भी ऐसा ग्राफ टाइम एंड डिस्टेंस का आपको दिख रहा है जिसमें एक बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनी है, सीधी रेखा, तो पूछा जाए कि अगर वो किस चीज़ का ग्राफ है, तो आप कहेंगे कि कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है या गति कर रही है, उस चीज़ का ग्राफ बनाया गया है। तो ये है हमारा समय और दूरी का ग्राफ, ठीक। अब चाहे दूरी समय कहिए, चाहे समय और दूरी कहिए, तो इस तरह से समय और दूरी का ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि, चलिए थोड़ा सा यहाँ ग्राफ में देखते हैं, मानते हैं कोई वस्तु यहाँ पे पहुँच गई, यानी ए बिंदु पे, ठीक, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर बी पे पहुँच गई, बी बिंदु पे। तो ए से बी तक जो उसका चाल है वो हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ की मदद से, ठीक। क्या करेंगे, ए बिंदु से हम सीधी लाइन नीचे खींचेंगे और बी बिंदु से भी हम एक सीधी लाइन नीचे खींचेंगे। इस बिंदु को हम T1 कहेंगे और इस बिंदु को हम T2 कहेंगे, क्योंकि नीचे समय दर्शित हो रहा है, तो यहाँ पे T1 समय और T2 समय। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे और यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे, ठीक। इस लाइन को हम कहेंगे S2 और यहाँ इस बिंदु को कहेंगे S1। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय,
तो हम यस टू माइनस एस वन करेंगे बटे टी टू माइनस टी वन, एस टू माइनस एस वन और टी टू माइनस टी वन। यस एस टू माइनस एस वन करेंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी, और टी टू माइनस टी वन करेंगे तो हमें समय पता चल जाएगा। अब टी टू माइनस टी वन का मतलब यह है कि टी हमारा फाइनल अंतिम समय है और टी वन हमारा प्रारंभिक समय था। वैसे ही एस टू हमारा अंतिम दूरी है और एस वन हमारा प्रारंभिक दूरी है। तो जब अंतिम में से प्रारंभिक दूरी घटा देंगे तो हमें फाइनल दूरी मिल जाएगी, और अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा देंगे तो हमें फाइनल समय मिल जाएगा और हमारा चाल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है चाल को ज्ञात करने का ग्राफिकल मेथड से। ठीक, अब यहाँ पे हम आते हैं अगले ग्राफ में। ये ग्राफ, अभी तक आपने एक ग्राफ देखा, अब दूसरे ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो कर्व में है, एक कर्व के जैसा ऊपर जा रहा है, सीधी रेखा में नहीं है। ये जो उदाहरण होता है समय दूरी के ग्राफ में, इसको हम कहते हैं आसमान चाल। यानी कोई वस्तु जब असमान चाल से चलती है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ भी आप याद रखेंगे कि कौन सा ग्राफ किस तरह से बनता है, क्योंकि कभी-कभी होता है कि एग्जामिनर जो है, जो वाइवा लेने वाले होते हैं, वो ऐसे पूछ लेते हैं कि असमान चाल की कोई गति कर रही है कोई कार असमान चाल से, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, उसमें कर्व ग्राफ बनेगा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसमें कहेंगे कि समय दूरी के ग्राफ में उसमें एक सीधी रेखा बनेगी। चलिए, अब आते हैं वेग और समय ग्राफ। अभी हमने दूरी और समय ग्राफ देखा, अब हम वेग और समय ग्राफ देखेंगे, यानी वेलोसिटी एंड टाइम जो हमारा ग्राफ होगा उसको हम देखें। यहाँ पे अगर एक ग्राफ दिख रहा है आपको समय और वेग का, समय एक्स एक्सिस पे है और वेग हमारा वाई एक्सिस पे है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, गतिमान है कोई गाड़ी, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, यानी एक चतुर्भुज के जैसा बनेगा। देखिए क्यों बनेगा, देखिए जब वस्तु ने शुरू किया तभी मान लेते हैं कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ठीक, 1 सेकेंड बाद भी वही स्पीड थी, 2 सेकेंड बाद वही स्पीड थी, 3 सेकेंड बाद वही स्पीड थी, 4 सेकेंड बाद भी वही स्पीड थी, 5 सेकेंड बाद भी वही स्पीड थी। यानी उसकी जो चाल है वो एक समान है, इसीलिए उसकी जो रफ्तार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हर समय पे है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, किसी सेकेंड पे आप पूछेंगे, सॉरी किसी घंटे पे आप पूछेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो वो हर घंटे पे वही चाल दिखाएगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि एक एक घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में उसकी रफ्तार क्या थी, ठीक, सॉरी रफ्तार नहीं, उसने कितनी दूरी चली, उस गाड़ी ने, अगर उसमें हमको बता दिया गया या पूछ लिया गया कि 1 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ग्राफ के, मैं अगर ग्राफ का इस्तेमाल करके देखें तो बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि चाल तो इसकी समान है, तो ये तो एक सीधी रेखा में चलेगा। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 1 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में वस्तु कितना चली, कितना दूरी चली। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा ऊपर मिला देंगे और यहाँ से एक सीधी रेखा ऊपर मिला देंगे, तो अब क्या बन गया, अब हमारा बन गया एक चतुर्भुज। क्या बन गया, चतुर्भुज। हम क्या करेंगे, 4 घंटे वाले को हम समय मान लेंगे T2 और 1 घंटे को मान लेंगे यहाँ पे T1। ठीक, इसको T1 मान लेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर हमारा 3 आ जाएगा, यानी समय हमको मिल गया 3 घंटा। 3 घंटे के बीच की दूरी हमको उसको बीच की दूरी कितनी चली वो बतानी है। 3 घंटे में वस्तु कितनी चली, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले AC गुणे AD, यानी ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं,
रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो लंबाई गुड़े चौड़ाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए सी गुड़े सी डी, ए सी क्या है चौड़ाई है और सी डी क्या है लंबाई है, ये हो गया गुड़े जो हमारा टाइम होगा, जितना टाइम लगेगा। ठीक, टाइम हमें घंटे में दिया हुआ है, तो टाइम को हमारा तीन आया, टाइम तीन लिख दीजिए और हमारी जो ये एसी गुड़े सीडी है ये हमारा कितना है, एसी गुड़े सीडी हमारा आ जाएगा, एसी हमारा 40 है क्योंकि आप यहाँ देखिए वेग 40 है ना, सीडी हमारा 40 है, 40 आ जाएगा। ठीक, 40 की वेग से चल रहा है इंटू 3, ये जो आएगा यही हमारा हो जाएगा दूरी। ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही हमारी दूरी निकाल देगा। तो इस तरह से हम यहाँ वेग और समय के ग्राफ से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला ग्राफ। अगला कौन सा ग्राफ आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक ग्राफ ये है हमारा, अगर जो गति है, यहाँ पे गति अब हमारी हो रही है किसके द्वारा, गति हमारी हो रही है जो हमारा वेग और समय का ग्राफ तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे हाँ त्वरित, त्वरित गति, त्वरण के कारण गति, त्वरित गति का मतलब त्वरण के कारण गति। अब एक समान त्वरण है, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो त्वरित गतियों के लिए जो वेग और समय का ग्राफ बनता है, त्वरित गतियों के लिए जो वेग और समय का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। अब एक समान त्वरित है तो एक समान त्वरित के लिए एक सीधी रेखा ऐसे बनेगी, सीधी सी बस। ठीक, एक ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर समय और वेग असमान है तो असमान गति के लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सारे ग्राफ आपके दिमाग में होने चाहिए कि समान गति पे कैसा ग्राफ बनेगा, असमान गति पे कैसा ग्राफ बनेगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ये तो ग्राफ के सैंपल हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए। अब आते हैं ग्राफीय गति, जो ग्राफीय विधि है इसके कुछ समीकरण हैं, गति के समीकरण, वो गति के समीकरण भी आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। जैसे पहला समीकरण है हमारा कौन सा, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक, वी इजकल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारा टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये एज ए फार्मूला समझ लीजिए, गति के समीकरण के नाम से इनको पूछा भी जाता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे करके इनको पूछा भी जाता है, या गति के समीकरण। तो गति के तीन समीकरण हैं और ये तीनों आपको याद होने चाहिए। देखिए इसमें, अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है वो देख लीजिए। हमारा यहाँ पे जो u है प्रारंभिक मान और v अंतिम मान, अंतिम वेलोसिटी, v और सॉरी a, a हमारा एक्सीलरेशन या त्वरण, और t हमारा समय, ऐसे ही ये सारी चीज़ें, और s हमारा यहाँ पे दूरी। तो ये चीज़ें हम इसमें जो जो अक्षर हैं उनको क्या कहते हैं ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आते हैं आगे, वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग और समय के बीच में जो संबंध है उसके लिए समीकरण अगर हम बात करें तो उसके लिए कौन सा समीकरण होगा। तो वेग समय के लिए जो वेग और समय यानी वेलोसिटी और टाइम के लिए जो समीकरण होता है वो हमारा होता है कौन सा, पहला समीकरण v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है हमारा वेग और समय का समीकरण। इसके बाद समय और स्थिति का जो समीकरण होता है यानी टाइम एंड पोजीशन, जो हमारा सेकंड लॉ या सेकंड सॉरी लॉ नहीं सेकंड समीकरण है उसको हम कहते हैं टाइम एंड पोजीशन समीकरण या इक्वेशन, उसको हम कहते हैं यस इक्वल टू यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, पोजीशन एंड टाइम
इक्वेशन, समय और स्थिति समीकरण। इसके बाद हमारा तीसरा समीकरण आता है वेग और स्थिति का समीकरण। ठीक, वेग और स्थिति यानी वेलोसिटी और जो पोजीशन है उसका समीकरण। तो इस समीकरण में हमारा क्या आता है, इस समीकरण को हम थर्ड समीकरण कहते हैं, थर्ड इक्वेशन कहते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ, जो हमारा गति का नियम है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन समीकरण हैं। किस समीकरण को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें इन समीकरणों पे कई सारे सवाल हैं, ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एक समान वृत्तीय गति। अभी तक आपने देखा एक समान रेखीय गति, अब हम देखते हैं एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति आपने सुना होगा, देखा भी होगा और इसको किया भी होगा आपने। सुने हुए की बात करें तो जो हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, एक तरह की वृत्तीय गति करती है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर काटता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये भी एक तरह की वृत्तीय गति है। एक धागे में पत्थर बांध के हमने कभी ना कभी उसको घुमाया होगा हाथ से पकड़ के, वो क्या है, वो भी एक तरह की वृत्तीय गति है। तो ये वृत्तीय गति है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति की बात करें अगर हम, तो एक समान वृत्तीय गति में हमारा जो पृथ्वी गति करती है या चंद्रमा गति करते हैं वो क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। यानी हमेशा हर चारों तरफ जो है वो एक गति से ही घूमते हैं। ठीक, हमेशा हमेशा उसी गति से हर बिंदु पे वो घूमते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक समान गति। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्ट में कि कोई वस्तु अगर इस तरह से गति कर रही है तो उसको हम वेग नहीं कहेंगे। ठीक, यही तो कहे थे, यही मैंने बताया ना, वेग नहीं कहेंगे, यानी कर्व में जो गति होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है तो क्या इसको हम वेग में गिन सकते हैं, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। चलिए देखते हैं आगे। इसमें देखिए, कोई व्यक्ति अगर एक चौकोर भूमि पे गति कर रहा है तो उसको चार बार अपनी दिशाएं परिवर्तित करनी पड़ेंगी। अगर छह भुजाओं वाले भूमि पे गति कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसको छह बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम बहुत सारी भुजाओं वाले षटकोण को बनाए, कोई भी एक आकृति बनाए, षटकोण नहीं, बहुत सारी भुजाओं की कोई आकृति बनाए तो वो एक तरह से वृत्तीय गति, वृत्तीय आकार बन जाएगा उसका। तो वृत्तीय आकार पे कोई व्यक्ति गति करे तो उसको एक समान लय में अपनी जो दिशा है वो बदलती रहनी पड़ेगी, एक समान लय में। ठीक, चलिए, तो समान लय में वो गति करता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो वृत्त की, जब वृत्त की बात आई है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, वृत्त की परिधि होती है 2πr। चलिए, तो वृत्त की परिधि मिल गई, यानी हमको एक तरह से क्या मिल गया, दूरी मिल गई। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पे वृत्त में बहुत सारी भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, आप जैसे आपने फिगर में ऊपर देखा तो कई सारी भुजाओं से घूम घूम के एक समान लय में घूमेगा उस पर, और वृत्त का निर्माण हो जाएगा। देखिए, जब भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएंगी, इतनी सारी भुजाएं हो जाएंगी वृत्त में, इतनी सारी भुजाएं होती हैं कि सारी भुजाओं को एक बिंदु के समान माना जाता है, क्योंकि कई सारे बिंदुएं मिलके ही तो आपस में ऐसे ऐसे वृत्त बनाती हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल सा। ठीक, तो बहुत सारी भुजाएं बिंदु के समान मिलके एक वृत्त का निर्माण कर लेती हैं। ठीक, तो यहाँ पे बिंदु के जैसे समान हो जाएंगी,
और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ये एक तरह से वृत्त बन जाएंगे। फिर कोई धावक एथलीट है एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, तो उसे या उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, उसके वेग में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि गति की दिशा उसको बदलनी पड़ती है, तभी वेग में परिवर्तन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कोई साइकिल गोल गोल घुमाते हैं, तो हमारा जो साइकिल है उसकी स्पीड में, उसकी गति में थोड़ा सा फर्क जरूर आता है। वही चीज़ है कि कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसकी जो उसकी गति में परिवर्तन है वो किसके कारण है, वो जो दिशा है, बार बार हर वक्त हर सेकंड हर बिंदु पे हमको दिशा जो बदलनी पड़ रही है। इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ जो एक एथलीट है वह त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक, इसी को हम कहते हैं त्वरित गति। अब यहाँ पे दिखाया भी गया है कि एक लड़का है धागा बांध के इसको ऐसे घुमा रहा है। ठीक, तो वही चीज़ है, एक वृत्तीय गति पे धावक दौड़ रहा है, वही सेम चीज़ है कि वो धागे में टुकड़ा बांध के घुमाना। अगर मानते हैं कि जो त्रिज्या है वो आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है और परिधि 2πr है। ठीक, अगर एथलीट आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में टी सेकंड का समय लेता है, तो वेग क्या होगा, तो वेग होगा हमारा 2πr/t। अब 2πr जो है ये s बराबर हो गया, वेग क्या होता है, वेग बराबर ये तो ना चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी क्या हो गया, दूरी हो गया 2πr। ठीक, वृत्त के लिए दूरी क्या हो जाएगी, 2πr, तो s की जगह हमने 2πr लिख दिया और बटे समय कर दिया, यही हो गया हमारा चाल। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब एक समान गति हो, चाहे रेखीय गति एक समान हो, तो उसको एक समान रेखीय गति कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति करेगा तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, यानी एक समान चाल से चलेगा तभी उसको एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगी कि जो एक गेम होता है जिसमें एक भारी सा डिस्क होता है, ठीक, उसको एक खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, जो हाथ में पकड़ कर उसको फेंकता है ना, और उसको नापा जाता है कि वो कितनी दूर गया। तो उसी तरह से अगर आप धागे में पत्थर बांध के घुमाते हैं और फिर खूब जोर से घुमाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो वो पत्थर किस दिशा में जाता है, पत्थर की दिशा वो दिशा होगी जिस दिशा में वह, या जिस बिंदु की दिशा वह होगी। जैसे कि यहाँ पे चित्र में हम देखते हैं, जैसे ये घुमा रहा है पत्थर, अब मान लीजिए इसने धागा टूट गया यहाँ से, तो ये पत्थर जो है वो इस दिशा में ही आएगा। ठीक, इस दिशा में आएगा, ऐसा नहीं है कि इसने छोड़ दिया तो ये इधर भाग जाएगा, पत्थर क्या होगा, वो इस दिशा में आएगा। तो वैसे ही डिस्क थ्रोवर जो होते हैं वो उस हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि वो डिस्क किस दिशा में फेंकनी है उनको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पाठ समाप्त। अब हम इसमें पढ़ते हैं कुछ मुख्य मुख्य बिंदु जो इस पाठ में हमने पढ़े हैं। चलिए, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, मैंने बताया समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी तथा या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। अब दूरी है तो चाल कहेंगे, विस्थापन है तो हम उसको वेग कहेंगे। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। जाहिर सी बात है, नियत है तो उसको समान चाल कहेंगे, और नियत नहीं है, बदल रहा है, तो उसको असमान चाल कहेंगे। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है, यानी वेग में परिवर्तन, इकाई समय में जो परिवर्तन वेग में होता है उसी को त्वरण कहते हैं।
ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। अभी आपने ऊपर ही देखा, समान गति है तो सीधी रेखा बनती है, असमान है तो झिकझैक बनती है, यानी थोड़ी सी ऊपर नीचे बनेगी। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें तीन समीकरण आप देख रहे हैं। पहला है v = u + at, दूसरा है हमारा s = ut + ½at² और तीसरा है हमारा 2as = v² - u², जहाँ पे u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, यानी जहाँ जहाँ भी u लिखा है उसका मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी है या प्रारंभिक वेग है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण, त्वरण मतलब त्वरण को हम a से दर्शित कर रहे हैं, ठीक है, और समय को t से, तो समान त्वरण से गति करती है। इनका अंतिम वेग v है, जो जहाँ जहाँ भी v लिखा है उसका मतलब है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और t को समय कहते हैं, और दूरी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं s का, यानी जहाँ भी s लिखा है उसका मतलब डिस्टेंस है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो वृत्तीय गति में चाल अगर समान है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है, अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए आपके। अभ्यास प्रश्न आप हल करने की कोशिश करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि लाइक के हिसाब से वीडियो की रैंकिंग होती है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा लाइक हो सके ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।